अलैकुम, मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन खादरी। आज 22 नवंबर है, मंगल का दिन है। इस वक्त मेरे को भोई नगर पुलिस अरेस्ट कर चुकी है मेरे घर पे से, जबकि मैं कोई गुनाह नहीं करा। मैं एक 15 महीने पुराना मेरा वीडियो पे जो मुमताज अहमद खान के पावर से भोई नगर पीएस पे जो पावर लगे मुमताज अहमद खान एमएलए चांदवार, उनकी वजह से एक बेकसूर इंसान अरेस्ट हो रहा। ये देखिए मेरी हालत, देखिए इस वक्त मेरी हालत देखिए। पुलिस से बचने के लिए, पुलिस का मेरा कोई झगड़ा नहीं है, पुलिस का मेरा कोई झगड़ा नहीं है, भोई नगर पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से कुछ मेरा झगड़ा नहीं है। वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर पे हमला हुआ। मेरे हमला जो घर पे करे, मेरे मासूम बीवी बच्चों पे जो हमला करे, वो लोग आज तक पकड़ने गए, एक बेकसूर इंसान को पकड़ लाए। क्या एक आम आदमी को, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कहना चाह रहा हूँ, केटीआर साहब से कहना चाह रहा हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन रवीसी साहब, आज आपकी पार्टी का छोटा सा सिपाही आज अरेस्ट हो चुका है। ये देखिए खून है, खून पूरे जिस्म पे मेरे खून है, मेरे भी बच्चों। असदुद्दीन रवीसी साहब, अकबरुद्दीन रवीसी साहब, चार मारे मेले मेरे साथ बहुत बुरा कर रही, भोई नगर पुलिस में गुरिश कर ली, मेरे घर पे हमला हुआ, जानलेवा हमला, पूरा सीसी कैमरा में आ गया, लेकिन मुझ मुजरमा को रचाकोंडा पुलिस ने पकड़ ली। मैं 15 महीने पुराना मुमताज खान को जो गालियां दिया, जो मुमताज खान एमएलए से मैं माफी चाह लिया, उसकी सजा फिर भी नहीं। भवानी नगर पीएस में मेरे ऊपर पीटी केस बुक करे उस टाइम के सर्कल साहब, असदुद्दीन साहब, अकबर साहब, अकबर साहब, तमाम आवाम से मैं दुआ की अपील करता हूं कि मेरे हक में दुआ करिए। आज भवानी नगर पुलिस, सर क्या नाम है आपका, आपका नाम राघविंदर साहब, आपका शिवा साहब, आप अजमत साहब, ये लोग आकर मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। मेरे को कानून पे पूरा भरोसा है, मेरे को इंसाफ मिलेगा, मेरे को इंसाफ मिलेगा, मैं कोई गुनाह नहीं करा, मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैं तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट, हैदराबाद कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे केसेस की इंक्वायरी करिए, मेरे एफ आई आर के केसेस की इंक्वायरी करिए। अगर मैं वाकई गुनहगार हूँ तो मेरे को फांसी पर चढ़ा दीजिए। मैं कहीं भागा नहीं, मैं मेरे घर में हूँ, मैं मेरे घर में हूँ। दुश्मन कह रहे मैं भाग गया, मैं अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के डरने वाला हूँ। और एमएलए मुमताज खान से तो खत्ता ही नहीं लूंगा, एमएलए मुमताज खान से तो मैं खत्ता ही नहीं लूंगा, एमएलए मुमताज खान से तो खत्ता ही नहीं लूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी मुमताज खान के सामने, इम्तियाज अहमद खान के सामने मैं माफी नहीं चाहूंगा। सुनिए साहब, ज्यादा जरूरी बेटे वीडियो, बच्चों को देखो, मेरे बच्चों को देखो, आभार हो रही है बेटे, साहब लोग आ जाए, बच्चों को बोलो, मेरा ठहर के बोलो, ठहर के बोलो, सुबह में आया था, फिर क्या बोले साहब, सुनो, सुबह में आया था, कल सुबह आता, बातें कर रहे ना साहब, साहब मेरी बच्चों को जरा सा हिम्मत, मेरी बच्चों को हिम्मत दो, मेरी बेटी बोल रही है, अरे देखो जी सर, कुछ भी ये परेशान मत हो, जैसा बोलो यहां तो जैसा बोलो, देखो मां परेशान है, बात कुछ भी नहीं, मैं आता बेटे, आफरा आ जाते हैं, अल्लाह नबी आता नब्बे बेटे, तुम्हारी शादी इंशाल्लाह 2 तारीख को होगी बेटे, 2 तारीख को तुम्हारी शादी, डैडी नहीं है तो भी होंगी, डैडी मर गए तो भी होंगी, डैडी फांसी पे चला दिया तो भी, 2 तारीख के दिन तुम्हारी शादी होगी, दुआ करो। ये दादा पूरे ग्रुप में।